नागपुर जिले के रामटेक थाना अंतर्गत आने वाले खिंडसी तालाब में एक 40 वर्षीय युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान नागपुर नरेंद्र नगर निवासी प्रदीप मसराम के नाम से की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम लगभग 5 बजे एक युवक का शव खिंडसी तालाब में तैरते हुए दिखाई दिया, जिसकी जानकारी रामटेक पुलिस को दी गई, जिसके बाद रामटेक पुलिस के द्वारा शव तालाब से निकालकर उसकी तलाशी में मोबाइल एवं एटीएम कार्ड मिला, जिसके बाद शव की पहचान प्रदीप मसराम के रूप से की गई है। पुलिस ने पंचनामा कर शव को विच्छेदन के लिए रामटेक उपजिला रुग्णालय भेजा गया है। आगे की जांच रामटेक पुलिस कर रही है।